नमस्कार, डी लाइव न्यूज के स्पेशल सेगमेंट न्यूज एनालिसिस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा हिंदुस्तान देश, जी हाँ, वो भारत देश जहाँ पर संस्कार और संस्कृति की बात होती है और कौमी एकता, जी हाँ, अनेकता में एकता का रंग अगर यदि कहीं देखने को मिलता है तो वही हमारे हिंदुस्तान देश में देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी राजनेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं जो शायद इस कौमी एकता को कहीं ना कहीं विघटित करते हैं, इसे ठेस पहुंचाते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो धार्मिक भावनाओं से और आस्था से जुड़ जाती हैं। जी हाँ, इन दिनों कुछ ऐसी ही बहस देश में देखने सुनने को मिल रही है। पिछले दिनों इंदौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया जो कि न केवल बकरीद के मौके पर बहस का एक सबब बन गया, बल्कि अब आने वाले दिनों में नवरात्रि में गरबा, जी हाँ, गरबा पंडाल जो सजने वाले हैं हमारे नवरात्र के पर्व के लिए, उसमें कहीं कोई खलल ना पैदा करें, उनके इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इसी बयान की सर्जरी करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद तमाम हस्तियों के साथ, मेहमानों के साथ। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दे। हमारे साथ आज इस खास पेशकश में अपनी बात रखने के लिए मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व में निगम मंडल में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके श्री गोविंद मालू जी। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीलाइव न्यूज पर। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के जाबाज प्रवक्ता जो लगातार अपने बयानों के तीर विपक्षी दल पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर चलाते रहते हैं, श्री नरेंद्र सलूजा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। साथ ही साथ आज हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे शहर और प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत शुक्ला जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। साथ ही साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, भाजपा विधायक को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि ऐसा बयान देना पड़ा, और आखिर क्यों मुस्लिम युवक गरबा रास के पांडालों में नहीं आए, और किस तरह से बकरीद को लेकर उन्होंने जो एक बयान दिया था उसके बाद जो तीखी प्रतिक्रिया निकल कर आई, इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से विधायक आती हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मालू जी के बयान से कि वो क्या मानते हैं, आखिर ये उनका निजी बयान था या उसे पार्टी का बयान माना जाए। मालू जी, सबसे पहले एक ऐसा मुद्दा जो सीधे जनता से सरोकार रखता है, सर्वधर्म एकता की हम बात करते हैं लेकिन कभी कहना कि मुस्लिम युवक जो है गरबा पांडालों में ना आए, तो कभी कहना कि बकरीद पर बकरों की कुर्बानी ना दी जाए, क्या लगता है आपको, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? पहली बात तो ये बता दूं मैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत बयान ये नहीं है। उषा ठाकुर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कई सारे सामाजिक कार्यक्रमों में न केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी दल सामाजिक कार्यक्रमों में जब शिरकत करते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठता है, और उसकी पवित्रता कैसे बरकरार रहे, हमारे सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक, हमारे उत्सवों की, और उसमें किस तरह से हम इन सारी सभ्यता और संस्कृति को अच्छे ढंग से लोगों के सामने ले जाएं, इस बात को लेकर ये पहला मौका नहीं है कि जब सुश्री उषा ठाकुर जी ने ये कहा, उसके पहले 2 वर्ष पहले भी इस बार इस बाबत एक अभियान चलाया था कि गरबा पांडालों में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वे जाएं, केवल आमोद प्रमोद का साधन इस गरबा उत्सव माँ की आराधना को न बनाया जाए, उसके पीछे मात्र उद्देश्य ये होता है। कई बार असामाजिक तत्व किसी दूसरे भेष में आते हैं, इसलिए इन सब बातों पर गौर करके एक अभियान चलाया था। 2 साल पहले भी हमने साथ में कई जगह हम उस मामले में हमने बैठकें भी ली थी, और चूंकि आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है, पवित्रता का मामला है, ऐसे उत्सव में किसी तरह का खलल ना पड़े, क्योंकि सबको अपने अपने धर्म, अपने अपनी उपासना पद्धति को मानने की भारत में स्वतंत्रता है और हम किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो, उस पर कोई ठेस न लगे, आस्थाओं पर ठेस न लगे, इस बात के भी चाक चौबंद प्रयास करते हैं। ऐसा कई स्थानों पर, मध्य प्रदेश में नहीं, बाहर भी, जहाँ गुजरात या महाराष्ट्र में भी गरबा उत्सव के दौरान ऐसे कई सारे उपक्रम किए गए कि जिससे वहाँ की पवित्रता उस उत्सव की, उस आयोजन की,
और उस 9 दिनी आराधना की बरकरार रहे। अभी मैंने पढ़ा कि गुजरात में भी कई जगह कि गौमूत्र से तिलक करेंगे जी। तो ये पवित्रता का मामला है जी। और जिनकी श्रद्धा है वो आते भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी जाते हैं। तो सवाल उस उत्सव को एक आमोद प्रमोद का साधन न बनाया जाए, वहाँ जो असामाजिक तत्व आकर जो छेड़छाड़ या दूसरी घटनाएं होती हैं उससे मुक्त करने के लिए ये सारे प्रतिबंध आयत किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आइडेंटिटी कार्ड लेकर तो किसी के लिए भी है, वो केवल मुसलमान या हिंदू का सवाल नहीं है। यदि आप आस्था रखते हैं तो आप आइए, सहर्ष आइए, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ जाइए। सवाल आस्था और श्रद्धा का है, इसलिए आस्था और श्रद्धा में किसी तरह की छेंक और चोट न लगे, इस बात के लिए, इस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए वो आज पहली बार नहीं, 2 साल पहले भी ऐसे आयोजन करती रही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं श्री नरेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, आप क्या मानते हैं? बहुत गंभीर और बहुत गहरा यहाँ पर बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी ने। कितना घनत्व आपको लगता है और आप इसे किस नजर से और किस मायनों में देखते हैं? बड़ा हास्यास्पद और बड़ा आश्चर्यजनक गोविंद मालू जी ने कहा है, पूरी तरह से बोरमोल जवाब दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उषा ठाकुर जी, सभी धर्मों की अपनी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज होती, उसको पालन करने का उस धर्म के लोगों का विशेष अधिकार होता है। किसी को भी धर्म का ठेकेदार बन उस धर्म की आस्था की व्याख्या करने की अनुमति नहीं है, हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं। कितना विवादास्पद, कितना बचकाना बयान दिया है कि आप निरीह जानवरों की कुर्बानी नहीं दें, अपने बेटों की कुर्बानी दें। अरे एक व्यक्ति अपने बेटों की कुर्बानी दे, उसके अंदर कोई पाप वाली बात नहीं है, लेकिन निरीह जानवरों की कुर्बानी होने से पाप पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, सभी धर्मों के अंदर हिंदू समाज की बात करें तो वहां भी बलि देने की परंपरा है। अरे उषा ठाकुर जी, यदि आपको दूसरों के धर्मों की इतनी ही चिंता है कि हिंदू युवक सिर्फ गरबा पंडालों में आए, दूसरे संप्रदाय के, और उन्होंने तो खुला नाम देकर कहा है कि मुस्लिम युवक नवदुर्गा के पंडाल में नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब उन्हीं के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में जब मुस्लिम महिलाएं कावड़ उठाती है तो उस समय वो हस्तक्षेप, उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करती है, उस समय वो बात क्यों नहीं करती, जब उन्हीं की पार्टी का मुस्लिम जागरण मंच के लोग जन्माष्टमी के जुलूस में शामिल होते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तब वे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती? जब उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है, मुस्लिम युवक वहां आरती में हिस्सा लेते हैं, तब वे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती? उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ईद पे टोपी लगा के बधाई देते हैं, तब वे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती? उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार में शामिल होते हैं, रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं, तब वे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती? उषा ठाकुर जी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लेके इस तरह के बयान देती रहती, पहले भी वो लव जिहाद या मम्मी आलसी मैगी को लेके इस तरह के बयान दे चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ उषा ठाकुर जी, आपको क्षेत्र क्रमांक 3 की जनता ने विकास को लेकर चुना है, आप विकास को लेकर बात करिए, आप 3 नंबर से लाभता है, आप मंत्री बनने की इच्छा रखती है, आप सिर्फ झूठी प्रसिद्धि के खातिर इस तरह के बयान देती है सुर्खियां मारने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस शहर की, इस देश की, इस प्रदेश की, गंगा जमुना की संस्कृति तेजी में, यहाँ पे चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे रोजे इफ्तार हो, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, यहाँ पे समाज को बांटने का प्रयास मत करिए। और उषा ठाकुर जी जिस तरह से उनका निजी बयान बता रहे गोविंद मालू जी, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया है, उन्हीं की पार्टी की वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी है, तो कैसे आप उस चीज से खंडन कर सकते हैं कि उनका निजी बयान है? अरे निजी बयान है तो भारतीय जनता पार्टी को सरेआम इस तरह का बयान देना चाहिए था कि भारत का कोई लेना देना नहीं इस बयान से। कैलाश शर्मा ने उनके बयान का समर्थन किया, मंदसौर के विधायक यशपाल सिसोदिया ने उनके बयान का समर्थन किया, अमरदीप मोरे ने उनके बयान का समर्थन किया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी तरह से विवादों से भरा बयान है, पूर्व में भी इस तरह के बयान देती रहती है, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, इस तरह की संस्कृति उन्हीं पार्टी के मुस्लिम जागरण मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनका विरोध किया है, तो इस तरह के बयान जो है वो आपत्तिजनक है। कांग्रेस ने इसकी निंदा करी है, मुस्लिम समाज ने भी इसकी निंदा करी। आज हम बात करें, हमारे गुरुद्वारों के अंदर लंगर का आयोजन होता है जिसमें सभी धर्मों के लोग लंगर खाने आते हैं, कल से हम कहते हैं कि जो गुरुद्वारे में आके माथा टेकेगा या जिसके हमारे धर्म में आस्था है वो लंगर छके, तो पूरी तरह से गलत है। पंडाल में आना
है, कोई आस्था का सवाल भी होता है, यदि घर भी होते हैं तो सभी धर्मों के लोग आते हैं, तो इस तरह से उनको आस्था के नाम पर और आप मूर्ति पूजा, अरे तो कावड़ गया था, कावड़ उठा रहा कहा, मुस्लिम समाज के धर्म में लिखा कि कावड़ उठाए, फिर भी वो शामिल होते हैं क्योंकि हमारी मिली जुली संस्कृति। जी सरुजा जी, बहुत सारी बातें हैं और बातों में ही बातों में बहुत सारी बयान की असलियत क्या है वो भी जानना जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत शुक्ला जी भी हैं। नवनीत जी, आप क्या मानते हैं इस बयान के आखिर क्या है मायने, और नहीं लगता कि इस तरह की जो बयान है वो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को भी आहत करते हैं, और एक ऐसी विधानसभा, जी हाँ ये भी बहुत जानना महत्वपूर्ण है, कि एक ऐसी विधानसभा जहां पर बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है, वोट बैंक है एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय का, उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक महोदया यदि इस तरह का बयान देंगी तो कहीं हमारी जो शांति प्रेम और सद्भाव की जो भावना है या समाज में सुरक्षा की जो भावना है वो कहां पर आहत होती है, चौथा स्तंभ क्या मानता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि कोई उषा जी का बयान जो है, उषा ठाकुर जी का, पहली बार नहीं आ रहा है, और हमने चूंकि इंदौर शहर तो स्पेशली धार्मिक सहिष्णुता के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ हर धर्म का जो सम्मान है वो आप सभी जगह देख सकते हैं। मैंने यहाँ मुस्लिमों को भी आरती में शामिल होते हुए देखा, हिंदुओं को ईद मनाते हुए देखा, बिल्कुल सही कहना इनका कन्हैया जी, नहीं बिल्कुल ये सब होता रहा है शहर में, और हो सकता है दो या चार कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं, आप पूरी कौम पर उंगली मत उठाइए, दो या चार लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद गर्भों में गए हों या आपने उनको देखा हो, आप पूरी एक दो लोगों के कारण आप पूरी कौम को उंगली उठा रहे हो कि आप इस तरीके से गलत कर रहे हैं और आप जो मुस्लिमों को आने नहीं दिया जाएगा, पर आपको जरूरत पड़ रही तो आप गरबे के लिए सबको लेके जाओगे और आपको जरूरत पड़े तो आप जो है उनसे कावड़ उठवा लोगे, आप ये सब करने को तैयार हो, ये दुखद स्थिति। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस मापदंड में काम करना चाहते हैं। आप ये पहली लाइन खींच दीजिए कि नहीं भाई, हम मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी कावड़ नहीं उठाएंगे, वो हमारे आरती में नहीं आएंगे, हमारे पूजा में नहीं आएंगे, तो भी एक नीति तय हो जाए। पर क्या होता है, जब आपके चुनाव आते हैं तो आपकी भाषा और लय ताल सब बदल जाती है, आप फिर राष्ट्रीय मुस्लिमों की बात करते हो, आप उस समय ये नहीं कहते कि ये जो है ये अपने बेटे की बलि चढ़ा ही नहीं चढ़ा, आप क्या कहते हो, जो राष्ट्रीय मुस्लिम है तो राष्ट्रीय मुस्लिम की परिभाषा क्या, वो भी आप तय नहीं करते होंगे। मापदंड तय होने चाहिए, निर्धारण होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा दूसरों के मुट्ठी भर लोगों के कारण आप पूरी कौम को या पूरे धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं है। आप अपने धर्म को देखिए, अभी हाल हाईकोर्ट ने जो उज्जैन जैन समाज को लेकर वहां फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया संथारा वाले मामले में, स्पष्ट है कि भाई किसी को निर्णय करने का अधिकार है तो वो केवल हाईकोर्ट को, और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं गलत हो रहा हो तो आप भी कोर्ट जाइए और आप बोलिए उनको ये सब करने के लिए, पर न्याय व्यवस्था पर भरोसा करिए और धर्मों पर व्यवस्था करिए। इस देश की आधी धूरी धर्मों में बंधी हुई है और इसीलिए हम आज तक आराम से शांति से रह रहे हैं, नहीं तो आपने दूसरे देशों की हालत देखी है, जिन्होंने धर्म के आधार पर खेल खेलना चाहा वो सब बर्बाद हो गए। बिल्कुल गोविंद जी, क्या लगता है आपकी ही पार्टी की विधायक ने एक ऐसा बयान दिया है कि पूरी पार्टी को यहाँ पर जो है मौन साधना पड़ा है, नहीं लगता कि इस तरह के बयानों की जरूरत ही नहीं है, और खासतौर पर वो देश जहाँ पर पर्व हर उत्सव जो है बड़े ही जोश खरोश के साथ ऊर्जा के संचार के साथ मनाया जाता है, उत्सव ही हमारा देश हिंदुस्तान के साथ। मैंने पहले भी यही बात कही कि वो उनका बयान पहली बार नहीं आया है, पिछले 3 वर्ष से लगातार इस आयोजन की पवित्रता शुद्धता के लिए वो ऐसे प्रयास और ऐसे बैठक लेकर करती रही हैं, जिनकी आस्था और श्रद्धा है वो सवाल नहीं है। भाई, आपने धर्म का पालन, अपनी उपासना पद्धति का पालन करने से किसी को नहीं रोका जाता है, उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाती, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम तो भारत में रहने वाला नागरिक को यदि हम राष्ट्र के प्रति उसकी उसका कमिटमेंट है, राष्ट्रीयता के प्रति है हमारे, इसलिए हम राष्ट्रवादी मुस्लिम की जो बात करते हैं कि राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा और इस भारत माता के प्रति उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन वो करें। हम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं, उसका भी पालन सबको करना चाहिए। दो तरह की बातें यहाँ नहीं चल सकती। तो जो हमारे ये आयोजन है, चाहे गणेश उत्सव हो चाहे गरबा उत्सव हो, गरबा उत्सव को बहुत ज़्यादा अलग ढंग से देखा जाता है, माँ शक्ति की आराधना, दुर्गा की आराधना, और ये वहाँ पर जिस ढंग से युवक और युवती आते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं, बाद में भी घटनाएँ कई दुर्घटनाएँ होती हैं, उस बात से विरत रहने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सारी पवित्रता और शुद्धता की बात की जा रही है।
ये किसी ने नहीं कहा कि यदि उसकी आस्था है तो वो सिद्ध करे कि हमारी आस्था है, स्वागत है, आए वो, लेकिन केवल वहाँ आकर न्यूसेंस पैदा करना है ऐसे तत्वों को दूर करने के लिए, ये उनका जो उन्होंने जो एजेंडे पर लिया है उसका अपने कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई भी गलत नहीं है। और यदि पार्टी का सवाल है, पार्टी की बात अलग है, मैंने कहा सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें समाज जीवन में अलग अलग ढंग से हम चीज़ों को ले जाते हैं, पवित्रता शुद्धता के लिए, नई नई ये कुरीतियों को दूर करने के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, उसमें कई सारे लोग उस पर आलोचना भी करते हैं, उसके समर्थन में भी आते हैं। तो आपने कहा कि पार्टी के कई सारे लोग समर्थन में आए, तो मैं भी उसके समर्थन में हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी के कोई एजेंडे पे कोई चीज़ आ गई। पार्टी बहुत सारे अलग राजनीतिक विषय पर लेकर चलती है, देश के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, दूसरी बातों पर अपनी राय प्रकट करती है। ये सामाजिक विषय हैं, इन पर अपनी अपनी राय हो सकती है, भिन्न भी राय हो सकती है किसी की, लेकिन मेरा ये मानना है कि धार्मिक आयोजन, आस्था के आयोजन में कोई भी यदि ये प्रयास करेगा कि हम उसको कलुषित करेंगे, उसमें छेंक लगाएंगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम उदार जरूर हैं, हम उदार भी रहना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आकर मन मर्जी से वहाँ पर कोई तरह का उसमें तोड़फोड़ करे या कुछ ऐसी स्थिति पैदा करे, ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो कि जिससे आगे समाज में सामंजस्य बढ़ाने के लिए बात हो रही है, वैमनस्य बढ़ाने के लिए नहीं हो रही है कि छोटी सी बात पर कोई विवाद हो जाए, इससे दूर रहने के लिए बात हो रही है। ये तो कभी कोई ऐसा युवक पकड़ अगर वहाँ ऐसे स्थान पर आया और उससे फिर कोई जो समुदाय में झगड़ा हुआ तो फिर क्या होगा? तो ये सामाजिक समरसता सौहार्द के लिए ही इस तरह की बात की जा रही है कि भाई आप हम जाते हैं गुरुद्वारे में, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, तो हम बराबर वहाँ के पालन करते हैं कि हम बराबर अपना सर को ढक के जाएंगे, वहाँ पर जैसा हमको करना है अरदास वैसी करेंगे, तो वो नियम कानून का पालन करें, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ही किसी को। लेकिन हम वहाँ आकर केवल आमोद प्रमोद के साधन के रूप में या हमको आनंद के लिए जाना है, वो बर्दाश्त करते ही नहीं होगा और कोई भी नहीं चाहेगा। किसी भी ये इस धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, किसी भी दल से जुड़ा हुआ होगा, कांग्रेस से जुड़ा हुआ होगा या भारतीय जनता पार्टी से या कम्युनिस्ट पार्टी से, जब वहाँ पर वो सामाजिक संस्था को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, कोई आयोजन कर रहा है, नवदुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, वो क्या वो बर्दाश्त करेगा? चीज़ नहीं करेगा। केवल यही बात है, इसको अलग ढंग से लेना, इसको अलग ढंग से देखना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। चलिए, किस ढंग से लिया है मीडिया ने और किस ढंग से लिया है समाज ने, ये जानना भी बहुत जरूरी है। न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे हैं। पीयूष, आखिर मूल बयान क्या था? पहला बयान उषा ठाकुर का किस लहजे में आया था, किस तेवरों के साथ आया था, किस आक्रामकता के साथ आया था, उसके बाद जब वो बैकफुट पर आई तो उनकी सफाई क्या थी, तो कुल मिलाकर क्या रिपोर्टिंग निकल कर आती है उनके पूरे मूल स्टेटमेंट की, मूल बयान की? देखिए महेंद्र जी, साल 2013 में भी इस तरह का बयान जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने दिया था, खासकर गरबे के मसले को लेकर, कि गरबा पांडालों में मुस्लिम युवकों को प्रवेश ना मिल जाए। लेकिन साल 2014 में जो बयान आया वो कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आया, क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे के साथ में इस बयान को साफ तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने पेश किया था। उन्होंने इसे एजेंडे के रूप में पेश किया हो या उनका जो भी उस पर तर्क हो, लेकिन लव जिहाद का मुद्दा जो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में बना हुआ था और जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आई उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेबाकी दिखाई थी। लेकिन हम लोग अगर बात करें इस पूरे बयान की कि गरबा पांडालों में युवकों का मुस्लिम युवकों का प्रवेश ना हो, बकरी पर बकरी की बलि देने के बजाय जो है वो जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने बेटों की बलि देने का प्रयास करे, तो इस तरह के बयान वो अक्सर देती हुई आई है। लेकिन महेंद्र जी, अब जो ये बयान है, जो पहले बयान आते थे उसमें उनकी आक्रामकता दिखती थी और अब जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मुस्लिम समुदाय की हम लोग बात करें तो वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस भी करती आई है और बीजेपी भी करती आई है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में अब जो ये एजेंडा है, जो उषा ठाकुर जी का बयान है, वो कहीं ना कहीं सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं
सियासत करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो बयान जो भी हो जिसमें आहत भावनाएं भले ही मुस्लिम समाज की हुई या किसी भी धर्म विशेष की हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर अब सियासत जरूर गर्माते हुए नजर आ रही है। जी मैम, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सनुजा जी। सनुजा जी, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, आपका क्या व्यक्तिगत तौर पर मानना है? राजनीति से परे अगर इस बयान को देखा जाए, राजनीतिक चश्मे को अगर दूर रख दिया जाए, तो क्या वाकई में इस मूल भावना क्या रही होगी इस बयान को देने के पीछे? और नहीं लगता कि कहीं कोई लोकप्रियता हासिल करने का एक शिगुफा तो नहीं बन गए हैं इस तरह की बयानबाजी? क्योंकि लगातार अगर क्रमवार देखा जाए तो ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसकी आक्रामकता का स्तर जो है वो बढ़ रहा है और तेवरों में भी इजाफा लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उषा ठाकुर जी जब से 3 नंबर की विधायक बनी है वो हर मामले में फ्लॉप साबित हुई है। विकास को लेके भाजपा कार्यकर्ताओं तक में असंतोष उस क्षेत्र में, क्योंकि कहीं भी दूर तक देखने भी नहीं आ रही उस क्षेत्र की दशा, और कहीं ना कहीं अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह के बयान देके सुर्खियों में बने रहने का लगातार प्रयास करती है। आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए बयान है, कहीं ना कहीं आरएसएस की नजरों में अपने नंबर उड़ाने के लिए भी इस तरह के बयान देती रहती है। मैं पूछना चाहूंगा, यदि लव जिहाद की बात करती है, यदि वो नवदुर्गा में मुस्लिम युगों की बात करती है, तो इस शहर में हम लोग निवास करते हैं, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें, एक भी शहर में लव जिहाद की या मुस्लिम युवकों की नवदुर्गा गरबा मंडल में घुसकर किसी भी प्रकार के इस तरह का विध्वंस या इस तरह का कुछ भी गलत करते करने की एक भी घटना इस शहर में हुई हो तो वो उदाहरण के साथ बता दें कि उन्होंने इस कारण से ये फरमान जारी करा। मैं समझता हूँ आज भी कोई बड़ी घटना इस शहर के अंदर से नवदुर्गा के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नहीं हुई। मैं कहता हूँ यदि उनको वास्तव में धर्म का ठेकेदार बनना था, संस्कृति का रक्षक बनना था, तो उनको बयान ये देना चाहिए था कि जितने भी नवदुर्गा पांडवों में जो फोड़ता होती है, जो भद्दे और अश्लील गानों में लड़ते होते हैं, उसको लिए गाइडलाइन जारी करना थी कि उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। जो टैटू का चित्रण करके अश्लीलता फैलाई जा रही, जो आप देखें कई गरबा मंडलों में जिस तरह से अश्लील कपड़े पहने जाते हैं, जिस तरह से टैटू का प्रदर्शन किया जाता है, उस अश्लीलता को रोकने के लिए उनको गाइडलाइन जारी करना थी तो समझ में आता और संस्कृति की रक्षा के। लेकिन जिस तरह से उन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ नवदुर्गा एक ऐसा उत्सव है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग अपने परिवार के साथ गरबा उत्सव देखने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक बयान जारी कर दूसरे धर्मों के लोगों को रोकने का प्रयास किया है, समाज को बांटने का प्रयास किया है, गरबों का जो एक महत्व था, जो एक उसकी गरिमा थी, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया। तो संस्कृति के धर्म की ठेकेदार होती तो वो बयान फूढ़ता के खिलाफ देती, अश्लीलता के खिलाफ देती, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो पूरी तरह से सांप्रदायिक है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला बयान है, इसलिए वो लोकप्रियता और सुर्खियों में आने वाला बयान मानता हूँ, उसकी हम निंदा करते हैं। गोविंद मालू जी, आपकी भी विधानसभा है, जहाँ आपका निवास है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 लगता है, आपकी विधानसभा की विधायक क्या निष्क्रिय है? ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने निजी तौर पर लगाया है। क्या लगता है कि अपनी सक्रियता दिखाने के लिए ऐसे बयानों की जरूरत पड़ती है? जब आप विकास नहीं कर पा रहे हो तब आपके पास बयानबाजी ही एकमात्र ऐसा हथियार, एकमात्र ऐसा जरिया बच जाता है जो आपको मीडिया के जरिए सीधे सुर्खियों में ला खड़ा करता है। कांग्रेस का तो काम है विरोध के रूप में जो अच्छा भी कर रहा है उसकी भी अनदेखी करना और एक रटा रटाए बयान बोलना कि विकास नहीं हो रहा है, सब निष्क्रिय हैं। उषा ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ विधायक इस क्षेत्र के अभी तक की और सबसे सक्रिय विधायक हैं। कार्यकर्ता खुश है कि नहीं इसका पैमाना कांग्रेस के पास नहीं है, ये हम जानते हैं कि कांग्रेस की हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है या नाराज है। अश्विन जोशी जी अगर लोकप्रिय होते और कांग्रेस में लोकप्रिय होते तो चुनाव जीत जाते, ये बात तो अलग है। अरे इस बार क्या हो गया, इस बार क्या हुआ? उषा ठाकुर जी दूसरे क्षेत्र से आकर भी चुनाव जीती और आज अगर आज मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर आज फिर से जनमत संग्रह करा ले, जनमत संग्रह करा ले तो वो पिछली बार से दुगने वोटों से जीतेंगी। आप जैसे योग्य व्यक्ति का हक मार के और वो काम अच्छा कर रही है, विकास का काम जिस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है उसको आगे बढ़ा रही है, जो सामाजिक सरोकारों की योजनाएं हैं उनको नीचे तक ले जा रही हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। आज के अखबार भी आपने पढ़े हों तो आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्र क्रमांक 3 के लिए उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ योजनाबद्ध ढंग से और पूरी तरह से उस एक एक बिंदु पर वो
विवाद का सवाल नहीं है, ये तो अखबारों की भाषा है, लेकिन उनने उसके बारे में सजगता रखी, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल, जिस तरह से सक्रियता की बात हो रही है, राजनीति में सक्रियता का क्या पैमाना बयानबाजी से भी तोल कर देखा जाता है, क्योंकि जब जब राजनेताओं को मौका लगता है तो वो मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बेबाकी दिखाते हैं। मैं जी एक बात मैं कहूंगा कि इस सियासत, जब आदमी सियासी आदमी कोई बात करता है तो उसमें सियासत ही नजर आएगी। वो कोई धर्म, देखिए धर्म गुरु भी होते हैं, वो भी कोई ऐसी बात करते हैं तो उसमें भी सियासत नजर आती है, लेकिन उसके राजनीतिक दायित्व के अलावा, जनप्रतिनिधित्व के दायित्व के अलावा सामाजिक दायित्व भी है। इसको नहीं अनदेखा किया जा सकता। आज तक का जो अभी आज़ादी के बाद जिस तरह से राजनीति का डिटोरिएशन हुआ है, वो एक केंद्रित हो गई राजनीति, वो सामाजिक सरोकारों से दूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले से और आज तक, सरकार में आने के पहले से, सरकार में आने तक और सरकार में आने के बाद भी अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व को कभी नहीं भूली। उसका कार्यकर्ता हर स्तर पर जनता के बीच में विकास की बात को लेकर भी जाता है, रचनात्मक बात को लेकर भी जाता है, सामाजिक सरोकारों को लेकर भी जाता है और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी जाता है। इसलिए ये कहना कि सियासी लोग ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मन में आए नहीं, सामाजिक सरोकार है ना, उसका सामाजिक दायित्व है समाज में। यदि कोई कोई समाज में यदि कोई विकृति है, संस्कृति और हमारे सभ्यता में कोई विकृति ला रहा है, संस्कृति और सभ्यता में हर काम पुलिस और प्रशासन और शासन नहीं कर सकता। मैंने यही तो कहा कि जन प्रतिनिधि का मतलब केवल सरकारी मुलाजिम होना या वो केवल सरकार का नुमाइंदा, शासन का नुमाइंदा, ऐसा नहीं है। जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है, उसका दायित्व है। आपको ये कई सारे उदाहरण आपने जनप्रतिनिधियों से सुने होंगे कि उनके पास लोग छोटी छोटी अपनी घरेलू समस्याएं भी लेके जाते हैं, उनको समाधान का केंद्र दिखता है कि हमारा प्रतिनिधि चुना है। यदि घर में कोई विवाह समारोह हो, कुछ छोटा मोटा भी काम हो, तो वो भी उससे समस्या लेके चला जाता है। ऐसे कई जनप्रतिनिधि हमको अपने किस्से बताते रहते हैं कि जनता की अपेक्षाएं हमसे क्या है, तो जनता की अपेक्षाएं हैं, कोई आहत नहीं हो रही इसमें भावनाएं उसमें। हाँ, हम अगर देखिए, हम अगर किसी इस्लाम धर्म के बारे में, हम यदि हम वहाँ नमाज के बारे में या इस बारे में हम कोई बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं, हिंसा के खिलाफ है, अहिंसा के समर्थक हैं हम। हमारे में पहले कुर्ब होती थी, बलि दी जाती थी कई सारे, और सती प्रथा को, बलि प्रथा को हमने बंद किया है। तो भारत में रहना होगा, सांस्कृतिक देश है, सभ्यता वाला देश है, ऐसा नहीं है सऊदी अरब या इराक और ईरान में। तो आप चले जाइए, आपको यदि रमजान, आप किसी भी धर्म के हो, वहाँ रमजान का पालन करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अपने अपने उपासना पद्धति का आप पालन करें, दूसरे की उपासना पद्धति को विकृति पैदा न करें। और नहीं, देखिए ये हमने मुस्लिम संस्कृति के बारे में कहा ही नहीं कुछ, हमारे विधायक ने भी नहीं कहा। हाँ, तो कुर्बानी में ये अहिंसा कैसे बन? अरे हमारे यहाँ भी जब नव दुर्गा के समय जब हवन होता है, मैं भी करता हूँ, तब बलि के स्थान पर कद्दू को काट कर उसको उसी रूप में देखा जाता है। तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। किसी जमाने में होता था कि वो बलि दी जाती थी बकरे की या वो जानवरों की, अरे आदमियों की, लड़कों बच्चों की बलि दी है। कई बार ऐसे केस आते हैं, वो पुलिस में उस पर केस करती है और उसको गिरफ्तार करती है। देखिए, ये देश में जो कानून है उसका पालन करना पड़ेगा, और इसलिए कहा है कि भाई जो कुर्बानी दी थी उसका एक प्रतीक स्वरूप आप कहें, प्रतीक स्वरूप है। ये सरकारों का काम नहीं है, ये सरकारों का काम नहीं है। सरकार का काम, देखिए नरेंद्र जी, सरकार का काम नई कानून और व्यवस्था के जरिए, यदि वहाँ ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा एलिमेंट, कोई असामाजिक तत्व वहाँ गड़बड़ करेगा, तो किसी भी समाज का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है, मैं समझ सकता हूँ। नवीन जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है, नवीन जी आपने बहुत नजदीक से देखा है समाज के हर पहलू को। इस बयान के मायने पर हम बात कर रहे हैं, गोविंद जी के कथन से आप कितना सहमत? गोयल जी के कथन से तो सहमत होने का सवाल नहीं उठता मेरा, क्योंकि गोयल जी जो बोल रहे हैं, मेरा उनसे मालू जी से एक सवाल भी जो एक लाइन में ये है कि उषा ठाकुर जी ने बयान दिया कि उन्हें बकरों की बलि की बजाय अपने बेटों की बलि चढ़ाना चाहिए, क्या
मालू जी इस बयान से सहमत है या नहीं? एक लाइन की बात तय होना चाहिए कि नहीं भाई उन्हें अपने बेटों की बलि चढ़ाना चाहिए। हाँ या ना, वो उत्तर देना चाहिए। उनका बयान, उनका बयान सीधा सीधा था कि हिंसा नहीं होना चाहिए। यदि वो कुर्बानी क्यों दी जाती है, क्योंकि अपने बेटे का उसमें उनका उसका वहाँ वो हुआ था बलिदान, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बकरे को क्यों चढ़ा रहे हैं, बेटे को चढ़ाओ। इसलिए देखिए, नहीं ये कोई करता नहीं है ना, उनको मालूम है ये कोई नहीं करेगा, लेकिन ये इंसानों को, ये जानवरों को, अब ये मूक पशुओं की क्यों बलि देना, इसका प्रतीक हो सकता है कुछ भी। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ पर एक बड़ी संख्या में, हाँ तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है वोट बैंक की, यही तो मैं कह रहा हूँ। समाज में भारत की, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो जलवायु है, भारत का जो वातावरण है, और भारत की जो सोच है, भारत का जो एक अपना अलग वैश्विक जो मादा है, सोच है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम जितने उदार चरितार्थ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम उस दिशा में, उस बेस पर, उस आधार को न भूलें, उस पर चलें। इस बात का आग्रह यदि कोई करता है तो मैं तन मन से उसके साथ हूँ। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, वाकई में हमारा हिंदुस्तान देश सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वधर्म एकता की बात करता है। नरेंद्र जी, बहुत सारी बातें हो गई, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान के पीछे मुझे लगता है कि गंभीरता कम थी लेकिन तर्क बहुत ज्यादा थे। नवीन जी, बहुत सारी यूं तो बातें हैं, लेकिन वाकई में चौथे स्तंभ के एक सशक्त प्रहरी होने के नाते बड़ा अनुभव आपके पास हासिल है। किस तरह से आप इस बयान के मायने देखते हैं और आगे अब क्या संदेश संप्रेषित हो? अब तक जो हुआ, यदि इस सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है बैकस्टेप करना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट से, और आगे इस तरह की भूल ना हो इसके लिए कोई गाइडलाइन पार्टी को भी तय कर देना चाहिए नेताओं के लिए, और बार बार इस तरह के अगर पुनरावृत्ति हो बयानों की उस पर रोकथाम के लिए वाकई में चौथा स्तंभ क्या मानता है, तर्क क्या देता है संवाद? नहीं, देखिए, देश में हिंदू होने से ज्यादा जरूरी आपका एक भारतीय होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता जो है एक भारतीय होने के नाते, आप नागालैंड में जाते हैं या मणिपुर में जाते हैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, यहाँ हिंदुत्व की बात करती है, वहाँ जाकर सारी भाषा बदल जाती है। हम एक भारतीय होने की बात करते हैं और हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमको भारतीय होने पर गर्व कब होता है? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं और जब हम हमारा सम्मान पाते हैं, चाहे मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग, तो ये मानते हैं कि वहां जाकर उनको पता लगता है कि हिंदुस्तान का क्या सम्मान, और वो सारे जितने भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हम लोग आज भी इसलिए एक दूसरे के सम्मान के कारण ही हम इस देश को बचा पाए। अगर हमने दूसरे के धर्मों का आदर और ये बेतु के बयानों को देने की परंपरा अगर नहीं रोकी, एक मामूली सा, हम जानते हैं कि एक मामूली सा बेतु का बयान भी कम से कम 50 लोगों के दिल को ठेस पहुंचाता है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके पांडालों में मुस्लिम लड़के नहीं आना चाहिए तो आप वहाँ बोर्ड लगा दीजिए जाके, भाई मुस्लिम लड़के नहीं आए, या जो इस धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं वे नहीं आए। ठीक, 1000 परिवार मुस्लिमों के ऐसे होंगे जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, या गर्भों में उनके बच्चे जाते होंगे या नहीं जाते होंगे, पर उनके मन में एक दर्द होता है कि यार इस तरीके से आप हमको रोक नहीं सकते, आप हमारे, आप जब आप हमारे, वही बात है ना, कांवड़ उठाने के लिए तो आप हाथ जोड़ते फिरते और रात को पैसे दे के भी आ जाना हमारे, और जब हमारे सम्मान की बात आती है तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये किसी एक के लिए गाइडलाइन नहीं होना चाहिए, ये चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे भाजपा का आदमी हो, सबके लिए सब धर्मों का आदर और सम्मान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता का सवाल भी है। बिल्कुल ठीक बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, इस संदेश को संप्रेषित करना होगा, और डी लाइव न्यूज के इस फोरम पर हम भी यह संदेश बार बार दर्शकों को देंगे कि आप कौमी एकता का जो पाठ है उसे जरूर पढ़ें, और इस तरह के बयानों को, जिस तरह से एक पुरानी कहावत है ना कि यदि कुछ बुरा आपके कानों तक पहुंचे तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, भले ही राजनेताओं को इस पूरे घटना के बाद नसीहत मिले ना मिले, ये जरूर भविष्य के गर्त में है। जाते जाते मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि अपना संदेश समाज तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की हमारी जो धार्मिक एकता की भावना है उसे भी ठेस ना पहुंचे, और यदि कहीं कोई भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उस पर भी मरहम लग जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी, आपका क्या खास संदेश हो? तो इस शहर की जो संस्कृति है, प्रदेश की, देश की संस्कृति, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर दिवाली, राखी, ईद सभी त्योहार मनाते हैं,
और इस शहर की संस्कृति की रक्षा के लिए इस तरह के बयानों को रोका जाना बहुत जरूरी है। इस धर्म में सर्वधर्म सद्भाव का संदेश के लिए सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस तरह के बयान बेहद आपत्तिजनक निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना स्पष्टीकरण देकर इस तरह के उषा ठाकुर के बयानों से किनारा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाले बयान है और कहीं ना कहीं जो सर्वधर्म सद्भाव की जो परिपाटी है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, उसको ठेस पहुंचती है। बिल्कुल ठीक बात है गोविंद मालू जी, सही संप्रेषण क्या होगा सही मायनों में तो महन जी, इस देश की अखंडता और एकता सबसे पहली जरूरत है। हमने ये सब पहले करके एक पाकिस्तान को जन्म दिया है, हम दूसरे पाकिस्तान को जन्म नहीं देना चाहते। ओवैसी जैसे लोगों को डिस्कार्ड करना चाहिए और भारतीय संस्कृति सभ्यता और यहाँ की जो परंपरा है उसको जो अक्षुण रखने वाली बातें हैं उनका कठोरता से समर्थन भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए और बोलना भी चाहिए। देखिए क्या है वो उनकी परंपरा है, हमको आखिरी में कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा। हालांकि देखिए ओवीसी का जो भी मामला रहा, ओवीसी का एक बयान नहीं बहुत बढ़िया आया था कि हज पे जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सब्सिडी बंद कर देना चाहिए, और उसके साथ में उसने कहा था कि ये पैसा लड़कियों के जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको फ्री एजुकेशन में लगाना चाहिए, इससे कौम का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, हज में जो पैसा जा रहा है। नवनीत जी ओवैसी के बहुत सारे बयान, मैं आपको उसकी सीडी दे दूंगा कि किस तरह से देश में विष फैला रहा है और कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने तो उसके साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसके बलबूते पर सरकार चलाई है, तो बिहार में कौन ले गया उसको? हम नहीं ले गए, वो जा रहे स्वतंत्र। अब कोई कुछ भी कहा करके हम क्यों ले जाएंगे उनको, ध्रुवीकरण कर रही वोटों का जो हम नहीं ले जाएंगे। आपको ऐसा लगता है ध्रुवीकरण कर रही? क्योंकि मालूम है वो कांग्रेस के गलबैया डाल के सरकार बनाई, केंद्र की सरकार बचाई, मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान नया बन रहा है, जो अपनी सरकार बचाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया जो देशद्रोही हैं? अरे यार आप कश्मीर की बात करो फिर तो आप यार कश्मीर मुख्य प्रधानमंत्री वहाँ भाषण देके आए जाके कि जो है एक बेटी ऐसा कर रही है उसका बाप ये कर रहा है और बाद में तलवे चाटता है, बेच नहीं डाला हमने कश्मीर को, पाकिस्तान के झंडे अलगाव, हमने कश्मीर को बेच नहीं डाला जिस तरह से आजादी के बाद कबाइलियों का आक्रमण हुआ, सरदार पटेल को किसने रोका? ये इतिहास है, इसका अपराधी कौन है? उसके अपराधी कांग्रेस है। देश को विघटन करने की यदि कोई अपराधी है तो वो कांग्रेस है। चलिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी और गरबा पांडालों से वापस जो है अपने मूल बयान पर आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने जो बयान दिया है उसकी जरूरत कितनी थी। जाते जाते पीयूष आप क्या कहना चाहेंगे बयान के मायनों को? बिल्कुल मायने वही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो ये बयान अभी तक आए हैं उसको लेकर सियासत कहीं हावी ना हो और जिस तरह से बेबाक बयानबाजी होती है चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस को, धर्म की जो भावनाएं हैं लोगों की जो भावना है उन्हें जो है कहीं आहत ना पहुंचे और जब नेता अपने बयान दे तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को जरूर ध्यान में रखें और उसको लेकर ही एक जैसा नवनीत जी ने अभी बात कही थी कि मापदंड तय होना चाहिए और पार्टी में भी गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि नेता कितना बोले और कितना किस विषय पर उन्हें कितना जो है अपनी बात रखनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मापदंड और गाइडलाइन तय करने की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, समाज समझदार है, जनता समझदार है, बुद्धिजीवी वर्ग के पास तमाम तरह के तर्क हैं, इसीलिए बस एक शब्द ही काफी है, पूर्ण विराम। उम्मीद है कि डी लाइव न्यूज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और हमारे मेहमानों ने यहाँ पर जो बेबाकी अपनी यहाँ पर दिखाई है उससे जरूर एक समाधान समाज को यहाँ पर मिलने में मदद मिल सकेगी। उम्मीद है कि इस तरह के बयानबाजी की पुनरावृत्ति ना होगी और इस तरह के बयानों के तर्क और उसके मायने क्या है उससे जरूर जो है समझा जा सकेगा भविष्य में। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े थे, हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद मालू जी का जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने यहाँ पर बात रखी। हम धन्यवाद देंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी का जिन्होंने बहुत सारे आरोपों की तीर एक बार फिर अपने कांग्रेसी होने के नाते धर्म के नाते निभाए यहाँ पर। हम धन्यवाद देंगे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत शुक्ला जी का जिन्होंने बहुत अच्छे चौथे स्तंभ के प्रहरी होने की भूमिका निभाई। हम धन्यवाद देंगे न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे का। डी लाइव न्यूज पर खबरों का काफिला बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।